बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया मुकाबला भारतीय टीम ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया और विराट की शतकीय पारी ने सभी का दिल जीत लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम ने सभी डिपार्टमेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन एक चीज जिसने भारतीय टीम मैनेजमेंट, कप्तान और कोच की चिंता बढ़ा दी है वो है मैच में हार्दिक पांड्या का चोटिल होना। हार्दिक इस वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और क्रूशियल पॉइंट्स पर आकर विकेट भी झटक रहे हैं और बल्लेबाजी में भी हार्दिक से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। हालांकि इस वर्ल्ड कप में अभी तक हार्दिक के बल्लेबाजी की जरूरत टीम को नहीं पड़ी है, लेकिन एशिया कप में हार्दिक ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पांड्या की मेडिकल रिपोर्ट आज सुबह जारी की है। BCCI ने बताया कि हार्दिक भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे। पांड्या का विश्व कप 2023 के दौरान चोटिल होना भारत के लिए बड़ा झटका है। BCCI ने पांड्या को लेकर अपनी वेबसाइट के जरिए जानकारी दी है। BCCI ने वेबसाइट पर लिखा कि भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए। उनकी लेफ्ट एंकल में चोट लगी। पांड्या का स्कैन कराया गया है और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। वहीं हार्दिक पांड्या BCCI की मेडिकल टीम की निगरानी में। हार्दिक 20 अक्टूबर को टीम इंडिया के साथ धर्मशाला नहीं जाएंगे, वो सीधा ही इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए लखनऊ में टीम के साथ जुड़ेंगे। अब जब हार्दिक चोटिल हो गए और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो गए हैं, ऐसे में उनकी जगह प्लेइंग 11 का हिस्सा कौन बनेगा, ये सवाल सभी के मन में है। क्योंकि अगर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट देखा जाए तो स्क्वाड में ऐसा सेम खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है जो गेंद और बल्ले दोनों से परफॉर्म कर सके। हालांकि अश्विन टीम में जरूर है, लेकिन वो तेज गेंदबाजी का जिम्मा नहीं उठा सकते क्योंकि वो स्पिनर है, और ऐसे में तीसरा तेज गेंदबाज टीम में कौन होगा। अगर विकल्पों की ओर देखा जाए तो हार्दिक की जगह आप एक प्रॉपर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ जा सकते हैं, और वहीं एक ऑलराउंडर शार्दुल को कम करके आप एक प्रॉपर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव के साथ न्यूजीलैंड के सामने उतर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड जैसी टीम जिसके पास शानदार तेज गेंदबाज है, अगर शुरुआती झटके देने में न्यूजीलैंड टीम कामयाब हो जाती है तो टीम के पास निचले क्रम तक अच्छे प्रॉपर बल्लेबाज होंगे जो टीम की पारी को संभाल सकेंगे। वहीं एक प्रॉपर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के होने से टीम को धर्मशाला के मैदान पर मदद मिलेगी। ऐसे में हार्दिक के ना होने पर भारतीय टीम इस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतर सकती है। आपको क्या लगता है, टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और वर्ल्ड कप और स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव ABP लाइव को।